सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की सुनो फ्रेंड्स, बताने वाले फिनकेयर बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कैसे करेंगे। आज की इस सुनो फ्रेंड्स दिखाने वाले फिनकेयर बैंक में चार बहुत ही खासी अपडेट है जो कि आपको यहां पे देखने के लिए मिलती है। पहला अपडेट, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें कोई बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखेंगे तब भी आपको कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट, ये यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर 7% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। चौथा बेनिफिट आपको ये मिलता है, आप ऑनलाइन ही फुल केवाईसी हो जाता है, यहाँ घर बैठे आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज की स्टोरी फ्रेंड्स दिखाने वाले फिनकेयर बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे कैसे ओपन करेंगे। आज की इस स्टोरी पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे तरीके से वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए आपको इस साइट पर आ जाना पड़ेगा, 101.finkearbank.com। इस साइट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको देखिए इस तरह का यहाँ पे फिनकेयर बैंक दिखे आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे चूज योर 101 अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट का नाम 101 अकाउंट है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके नीचे में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन फिनकेयर में मिल जाएगा। देखिए आपको ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी अकाउंट को आप ओपन करोगे। देखिए यहाँ पे इंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका आधार कार्ड या मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक, इस पर क्लिक करें, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड का, इस पर देखिए वन टाइम पासवर्ड जाएगा, यानी ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 21 सेकंड के अंदर में आपको ओटीपी डालना, अगर नहीं आता दोबारा ओटीपी यहाँ पे मंगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी डाल के वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करना। इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। इसको देखिए आपको यहाँ पे रीड कर लेना पड़ेगा पूरी तरीके से, अगर मैं यहाँ पढ़ लूँगा पूरी ज़्यादा टाइमिंग ये वीडियो में लग जाएगी, इसलिए आपको पूरी रीड करने के बाद देखिए आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालकर डायरेक्ट आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करें थोड़ा देर यहाँ पर लोडिंग लेगा। आपको देखिए जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर लेंगे इस पर देखिए ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पूरे अकाउंट के यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज़ आ जाएगा। इसके बाद आपको पूरे तरीके से यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे देखिए पूरा कुछ गलत है यहाँ पे इसको एडिटिंग कर सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ पर आपको आ गया। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना, इस तरह का ऑप्शन जो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेम परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आधार, अगर यहाँ पे आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, जो आपके आधार कार्ड से यहाँ पे एड्रेस है वो चूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे अदर एड्रेस पे रहते तो अदर एड्रेस पे क्लिक करें, यहाँ पे जहाँ पर रहते हैं इसका पूरा यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे, एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे एड्रेस 4, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे स्टेट कौन सा, वो सारी चीज़ यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद सारा चीज़ यहाँ पे जहाँ रहते हैं वो एड्रेस फिल करके आपको यहाँ पे अदर एड्रेस में आपको यहाँ पे बना लेना, जो आपका वही एड्रेस यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा सेम एड्रेस है, मैं चलिए सेम एड्रेस पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आधार कार्ड के सेम एड्रेस रखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया सेम एड्रेस पे। इसके बाद देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास थोड़ा देर यहाँ पर लोडिंग लगा, आपके पास कुछ समय वेटिंग करना पड़ेगा। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना, आपको ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको आधार है, सैलरी है, जैसे यहाँ पे चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए एनुअल इनकम कितना है कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको मदर नेम डालना पड़ेगा, आपके मदर नेम क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा ब्रांच कौन सा है, वो ब्रांच आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हो ब्रांच आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर यहाँ पे आपको देख लेना मैरिड अनमैरिड वो चूज़ करना पड़ेगा। कंटिन्यू का ऑप्शन जैसे क्लिक करना पड़ेगा, इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का आपको आ जाए, कौन सा आपको 101 अकाउंट ओपन कराना है। इसके अगर यहाँ पे 101 यहाँ पे कराएंगे तो आपको यहाँ पे 25,000 यहाँ पे आपको एलेवन इनकम यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब यहाँ पे अकाउंट आपका एनी टाइम चालू रहेगा। इसके बाद देखिए 101 फर्स्ट में देखिए आपको यहाँ जीरो बैलेंस अकाउंट, चलिए 101 फर्स्ट जीरो बैलेंस अकाउंट रख लेते हैं, इसमें कोई बैलेंस मेंटेन करने के नहीं रखेंगे तब भी कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट दिस, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक, इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी की पूरी डिटेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस पूरा डालेंगे, नॉमिनी ऐड करें, नॉमिनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहता मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए आई एग्री के ऑप्शन पे,
कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब देखिए आपको नीचे आएंगे, देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए आपका यहाँ पे अकाउंट में जो नेम रहेगा नेम शो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपकी कस्टमर आई डी शो हो जाएगी, इसके बाद देखिए आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, इसके बाद आपका IFSC कोड शो हो जाएगा, इसके बाद आपका जो ब्रांच हो ब्रांच यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए वीडियो KYC आप करना पड़ेगा, जैसा कि ये मेरे भाई का अकाउंट है, मैं यहाँ पे वीडियो KYC करके नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आपको अकाउंट नंबर जब भी मोबाइल बैंकिंग ओपन करेंगे आपको कस्टमर आई डी की जरूरत पड़ेगी, कस्टमर आई डी डाल के तभी वहाँ पे अकाउंट ओपन, वहाँ पर मोबाइल बैंकिंग आप चालू कर पाएंगे। जैसे ये मेरे भाई के अकाउंट में वीडियो कॉल करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा, अकाउंट नंबर IFSC कोड कस्टमर आई डी। अगर आप वीडियो के बाद फुल KYC पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ खुल के रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए 9 बजे आपको देखिए KYC 9 बजे से 12 बजे के अंदर अंदर आप KYC कर सकते हैं, 12 बजे रात तक है। देखिए 12 बजे रात तक KYC कर सकते हैं, इस तरह से वीडियो KYC जिसका अकाउंट वही वीडियो KYC कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वाइट पेपर में सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वीडियो KYC आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आप इस तरह से फिनकेयर बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आइए, वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ